मनरेगा के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हिमाचल प्रदेश का स्मार्ट सिटी धर्मशाला ब्लॉक देश में अव्वल रहा है। मनरेगा के तहत रुके हुए सभी विकास कार्यों और मौजूदा समय के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला देश का पहला ब्लॉक बना है। पूर्व के वर्षों में रुके हुए कार्यों को भी विकासखंड धर्मशाला ने सबसे पहले पूरा किया है। वर्ष 2015 से लेकर 2018 तक के लक्ष्यों में बाजी मारने पर अब केंद्र सरकार से भी धर्मशाला को शाबाशी मिली है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा में वर्ष 2017-18 तक के सभी कार्य पूरे करने वाला विकासखंड धर्मशाला देश का एकमात्र ब्लॉक बना है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत मनरेगा के अंतर्गत चलाए जा रहे 2016-17 तथा 2017-18 में शुरू किए गए पेंडिंग कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए लक्ष्यों के तहत धर्मशाला ब्लॉक ने 2015-16 तक 2954 कार्य, 2016-17 में 543 कार्य और 2017-18 में शुरू किए गए समस्त 405 कार्य पूरे कर लिए हैं। ऐसे में विकासखंड धर्मशाला ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। उपनिदेशक DRDA मुनीष कुमार शर्मा ने बताया कि देश भर सहित प्रदेश के अन्य ब्लॉकों के सैकड़ों की संख्या में काम अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। देश में कई ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें वर्ष 2015 के काम भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में धौलाधार के आंचल में बसा धर्मशाला देश में सबसे ऊपर अपना शिखर बनाने में कामयाब रहा है। इसके लिए धर्मशाला ब्लॉक को वर्ष 18-19 के तहत 448 कार्यों का लक्ष्य प्रदान किया गया था। उक्त कार्यों को भी धर्मशाला ब्लॉक ने शुरू कर दिया है और जल्द ही इन्हें भी पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धर्मशाला ब्लॉक ने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सिद्धांत भी बनाए रखे हैं। DRDA उपनिदेशक मुनीष कुमार शर्मा ने बताया कि मनरेगा के वर्ष 2015 से लेकर 2018 तक के सभी कार्यों को पूरा करने वाला धर्मशाला देश का पहला विकास खंड है। इससे अब देश सहित राज्यों के अन्य ब्लॉक भी इससे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला का एक विकास खंड है, भारत सरकार के निर्देशानुसार मनरेगा वैसे तो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। धर्मशाला में भी जो मनरेगा का सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू है कि काम जो चलते हैं उनकी कंप्लीशन जो होती है वो बड़ी देर से होती है, तो हमने इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया था। हमारे जो काम हैं, जब से नरेगा चली, जैसे कांगड़ा जिला में नरेगा 2008 से चली है, तो 2008 से लेकर आज तक 4200 काम लगभग नरेगा में हो चुके हैं और हमने 4200 के 4200 ही काम जो हैं वो ऑनलाइन इसको कंप्लीट कर दिया है। ये पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा विकासखंड नहीं है जिसने 2017-18 तक जितने भी काम चले हुए थे आज तक, उन सबकी कंप्लीशन जो है वो वेबसाइट पे की हो, ऑनलाइन की हो। इसमें कंप्लीशन के लिए जो जियो टैगिंग होती है, उसके बाद जो सारे पेमेंट्स होती हैं लोगों की, वो सारी करके इन पेंडिंग लाइबिलिटीज को सारी को क्लियर करके हमने यहाँ पे जो भी हमने इसको टारगेट बेस्ड किया था कि हमने डिसाइड किया था कि हम किस पंचायत में ज़्यादा पेंडेंसी है, क्यों है, उसके कारणों में जाके हमने पूरा इसका निपटारा किया है ताकि लोगों के जो पैसे नहीं मिल रहे थे काफ़ी दिनों से या उनके मटेरियल के थे पैसे, वो सारे के सारे क्लियर करके और इसको 100% हमने कंप्लीट किया है। ये हिमाचल के लिए भी गौरव की बात है और पूरे भारत के लिए भी कि हम पहला जिला बने हैं। इसमें मैं सभी जो ब्लॉक का स्टाफ है और सारे प्रतिनिधि हैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा।